वेलकम बैक ऑन इग्नाइटेड ड्रीम। नया दिन, नया वीडियो और एक नई शुरुआत जो डेफिनेटली आपके सपनों को साकार करेगी। द बुक एल्मेनिक ऑफ नवल रविकांत। इस बुक के विजडम को लेकर इग्नाइटेड ड्रीम के चैनल पे ऑलरेडी वीडियो सीरीज लॉन्च कर दी गई है। अभी तक मैंने 14 चैप्टर कवर कर दिए हैं और आज के इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ 15th चैप्टर। एंड ये चैप्टर स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर को कवर करने के लिए मुझे दो और चैप्टर्स का सहारा लेना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 16 एंड चैप्टर नंबर 17। चैप्टर 15 इज ऑल अबाउट हाउ टू मेक डिसीजंस। तो अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पूरा नॉलेज लेना तो आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना। अगर आपने आज से पहले जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किया हुआ है उनको अभी तक नहीं देखा हुआ है तो आई बटन पे क्लिक करके इन सारे वीडियोस को देखो, क्योंकि ये वीडियोस पूरे विजडम से भरे पड़े हुए हैं। और अगर ये वीडियोस आपको अच्छा लगता है, आपको कुछ लगता है कि इसमें डीपर नॉलेज है जो आपकी लाइफ को टच कर रहा है, आपके माइंड सेट को चेंज कर रहा है, तो इन वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। सो आई एम श्योर कि आप एक्साइटेड होंगे आज की इस वीडियो को कवर करने के लिए। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो 15th चैप्टर इज लर्न द स्किल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। नवल यहां पे बता रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लाना चाहते हो, तो आपको राइट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। और इससे प्रीवियस चैप्टर में भी मैंने इस बात को एम्फेसाइज किया हुआ है कि देयर आर टू पर्सन ए एंड बी, और अगर ए 10% ज़्यादा राइट डिसीजंस ले रहा है तो उसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू रहेगी, लोग उसके ऊपर चांसेस लेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा भी पेमेंट करने के लिए तैयार रहेंगे। सो राइट डिसीजन मेकिंग इज अ ग्रेटेस्ट वर्च्यू टू क्रिएट अ बिगर वेल्थ, अ ह्यूज वेल्थ, एंड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू मेक योर लाइफ हैप्पियर, सो यू हैव टू मेक राइट डिसीजंस इन योर लाइफ। नवल यहाँ पे बता रहे हैं कि योर फोकस मस्ट बी टू ऑप्टिमाइज फॉर द लॉन्ग टर्म रादर देन फॉर द शॉर्ट टर्म। जो भी आप डिसीजंस ले रहे हो, हमेशा ही कोशिश करो वो डिसीजन लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल रहें रादर देन शॉर्ट टर्म पे। हमारे कई सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं केवल हम शॉर्ट टर्म थिंकिंग रखते हैं, शॉर्ट टर्म में हमें बेनिफिट्स हो जाए उसके बेसिस पे हम डिसीजन ले लेते हैं और लॉन्ग टर्म के बारे में कभी भी नहीं सोचते हैं। तो डिसीजन मेकिंग का जो सबसे बड़ा स्किल है, आपको हर एक डिसीजंस को ऑप्टिमाइज करना है लॉन्ग टर्म के लिए। नवल यहाँ पे ये भी कहते हैं कि जब भी आप डिसीजन मेकिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को अनकंडीशन करना पड़ेगा। जो आपके अंदर मेमोरी बैठी हुई है ना, वो मेमोरी क्या करती है, एक बायस क्रिएट करती है और उस बायस से आप डिसीजंस कभी भी सही नहीं ले पाते हो। इस ट्वीट में नवल कहते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल बायसेस आर टाइम सेविंग ह्यूरिस्टिक्स। जब भी हम बायस्ड होते हैं ना, जब भी हम मेमोरी के ऊपर रिलाई करके डिसीजंस लेते हैं, तो ये टाइम सेविंग ह्यूरिस्टिक्स होते हैं। ह्यूरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, एक शॉर्टकट, माइंड के अंदर एक शॉर्टकट बन जाता है जिससे आप अपने टाइम को बचाने की कोशिश करते हो और फिर गलत डिसीजंस ले लेते हो। इसीलिए नवल कह रहे हैं कि फॉर इम्पॉर्टेंट डिसीजंस डिस्कार्ड मेमोरी एंड आइडेंटिटी एंड फोकस ऑन द प्रॉब्लम। जब भी आपको इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने हो ना, तो डिसीजंस लेने के लिए उस इवेंट को पूरी तरीके से चेक करो, 360 डिग्री चेक करो और फिर उसके बाद डिसीजंस लो, और इसके लिए मेमोरी को डिस्कार्ड करो और अपना आइडेंटिटी, जो ईगो है, जो जजमेंटल एक क्राइटेरिया होता है आपके माइंड का, उन सभी चीज़ों को आप ड्रॉप कर दो। और ईगो की शेडिंग के लिए, ईगो को ड्रॉप करने के लिए मैंने लास्ट चैप्टर यानी 14th चैप्टर में भी बताया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो आई बटन पर क्लिक करके इस चैप्टर को, इस वीडियो को जरूर से देखो। फिर नवल ये कहते हैं, अगर आप एक बेहतरीन डिसीजन मेकर बनना चाहते हो तो शो रेडिकल ऑनेस्टी, मतलब एक मजबूत ईमानदारी शो करो अपने आप को लेकर। कहते हैं कि रेडिकल ऑनेस्टी जस्ट मीन्स आई वॉन्ट टू बी फ्री, मतलब मैं फ्री होना चाहता हूँ। इस चीज़ के लिए रेडिकल ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। फ्री किस चीज़ से, अननेसेसरी जो मेंटल बायसेस होते हैं, जो मेमोरीज होती हैं, वो आपके लिए टेंशन क्रिएट करती हैं। और जब आप ऑनेस्ट होते हो, राइट, जो आपको कहना है
वो कहते हो और जिस चीज़ के लिए आप डिसीजन लेना चाहते हो उसमें पूरी तरीके से 360 डिग्री इवैल्यूएट किया हुआ है और कहीं से कोई किसी भी पर्सन का किसी भी पोजीशन का आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, आप अपने साथ ट्रूथफुल हो, दैट इज़ दी ऑनेस्टी। और डिसीजन मेकिंग ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जब आप ऑनेस्ट रहते हो तभी आप राइट डिसीजंस भी दे पाते हो। अब यहाँ पे नवल एक फिलॉसफी दे रहे हैं और वो फिलॉसफी है फिजिसिस्ट रिचार्ड फैनमैन की। नवल रिचार्ड फैनमैन को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, उन्हीं की एक फिलॉसफी बता रहे हैं, यू शुड नेवर एवर फूल एनीबॉडी। आपको किसी व्यक्ति को मूर्ख कभी नहीं बनाना चाहिए। और बोल रहे हैं एंड यू आर द ईजिएस्ट पर्सन टू फूल। जब आप मूर्ख बनाने की कोशिश करते हो तो आप सबसे ज़्यादा आसान व्यक्ति होते हो मूर्ख बनने के लिए, राइट? आप तो सोचते हो कि मैं किसी दूसरे को मूर्ख बना रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में इन रियलिटी आप खुद से मूर्ख बन जाते हो, खुद से फूल बन जाते हो। द मोमेंट यू टेल समबडी समथिंग डिसऑनेस्ट यू हैव लाइड टू योर सेल्फ। जब भी आप किसी के साथ बेईमानी कर रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने साथ झूठ बोल रहे हो। देन यू विल स्टार्ट बिलीविंग योर ओन लाई और फिर उसके बाद उस झूठ के ऊपर आप भरोसा करने लगोगे, विच विल डिसकनेक्ट यू फ्रॉम रियलिटी और फिर आप रियलिटी से दूर हो जाओगे, रियलिटी से डिसकनेक्ट हो जाओगे एंड टेक यू डाउन द रॉन्ग रोड और फिर आप गलत रास्ते पे चले जाओगे। इसलिए ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे अगर आपको सही रास्ते पे जाना है तो सही डिसीजंस लेने पड़ेंगे। सही डिसीजन लेने के लिए आपको अपने आप से सही होना पड़ेगा, अपने आप से ईमानदार होना पड़ेगा। और जब आप अपने आप से ईमानदार होना चाहते हो तो इसका मतलब दूसरों को कभी मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो, आप दूसरों के साथ भी ईमानदार रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, एज एन इन्वेस्टर एंड CEO ऑफ एंजल लिस्ट यू आर पेड टू बी राइट व्हेन अदर पीपल आर रॉन्ग, डू यू हैव अ प्रोसेस अराउंड हाउ यू मेक डिसीजंस। आप एक CEO हो कंपनी के और डेफिनेटली आप इस बात को जानते हो कि आपको ज़्यादा पैसा इसलिए मिलता है क्योंकि आप राइट डिसीजंस लेते हो। तो क्वेश्चन किया जा रहा है नवल से कि राइट डिसीजन को बिल्ड करने के लिए क्या प्रोसेस है। नवल यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इफ़ यू कैन बी मोर राइट एंड मोर रैशनल यू आर गोइंग टू गेट नॉन लीनियर रिटर्न्स इन योर लाइफ। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बार राइट डिसीजंस ले रहे हो और रैशनल हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में नॉन लीनियर रिटर्न्स होगा, मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, राइट? आई लव द ब्लॉग फर्नम स्ट्रीट बिकॉज इट रियली फोकसेस ऑन हेल्पिंग यू बी मोर एक्यूरेट ऑन एंड ओवरऑल बेटर डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकिंग इज एवरीथिंग। यस, मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लूँगा। नवल फर्नम स्ट्रीट के ब्लॉग को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं और अगर आपको जानकारी ना हो तो मैं फर्नम स्ट्रीट के ब्लॉग के बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखिए तो ये फर्नम स्ट्रीट का ब्लॉग है, fs.blog। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस ब्लॉग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। मेंटल मॉडल्स के बारे में बताया जा रहा है, एक्सेलरेटेड लर्निंग के बारे में बताया जा रहा है, डिसीजन मेकिंग के बारे में, रीडिंग बेटर पॉडकास्ट, राइट? और जो फर्नम स्ट्रीट ब्लॉग, राइट, और इसको चला कौन रहा है? शैन पेरिस। और शैन पेरिस ने कई सारे ऐसे बुक्स लिखे हुए हैं जिसमें डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ को एनहांस किया जा सकता है। मेंटल मॉडल के ऊपर इन्होंने बात किया हुआ है और मेंटल मॉडल के ऊपर 3 volumes लिखे गए हैं। तो आपकी जानकारी के लिए, जो शैन पेरिस का पॉडकास्ट है उसका नाम है द नॉलेज प्रोजेक्ट। आप यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो, नॉलेज प्रोजेक्ट डालो और ये पॉडकास्ट को सुनो। अगर आपको पॉडकास्ट सुनना अच्छा लगता है तो इन पॉडकास्ट को सुनो, अगर आपको ब्लॉग पढ़ना अच्छा लगता है तो इन ब्लॉग्स को देखो, पढ़ो, आप डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग के बारे में बहुत कुछ सीख लोगे। तो अगर आप अच्छे डिसीजन मेकर बनना चाहते हो तो नवल आपको डिफरेंट प्रोसेस बता रहे हैं। चैप्टर 16 में इसी चीज़ को कवर करने जा रहा हूँ, कलेक्ट मेंटल मॉडल्स। If you want to become a great decision makers, then you have to discard all your memories, all your egos, and then rely on mental models. Mental models क्या होते हैं इसको बताने से पहले नवल के कुछ important points हैं उसको मैं यहाँ share कर रहा हूँ। वो कहते हैं, the best mental models I have found came through evolution, game theory and Charlie Munger.
चार्ली मंगर इज वॉरेन बफेट्स पार्टनर। आपने वॉरेन बफे के बारे में जरूर से सुना हुआ होगा, ही इज अ ग्रेट इन्वेस्टर। चार्ली मंगर उनके पार्टनर थे और चार्ली मंगर के एडवाइस को वॉरेन बफे फॉलो भी करते थे। फिर उसके बाद ये बता रहे हैं ऑथर एंड ट्रेडर नासिम तालेब, इनकी बहुत फेमस बुक्स हैं, जैसे आपने ब्लैक स्वैन के बारे में सुना होगा, एंटी फ्रेजाइल के बारे में सुना होगा, इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को उसमें डाल रखा है। आप इन बुक्स को जब पढ़ोगे ना, तो नासिम तालेब के जो माइंडसेट है उसको आप रियलाइज़ कर सकते हो कि कितना डीपर थॉट है, राइट। तो नवल को इन सब लोगों को जानकर, इन लोगों के बारे में पढ़कर एक मेंटल मॉडल के बारे में इंटरेस्ट हुआ और उन्होंने भी मेंटल मॉडल्स डेवलप किया और उनके डिसीजन सही होने लगे। यहाँ पे नवल इस बात को एम्फेसाइज कर रहे हैं। अब मेंटल मॉडल की जो डेफिनेशन है एज पर नवल, वो कहते हैं मेंटल मॉडल्स आर रियली जस्ट कॉम्पैक्ट वेज फॉर यू टू रिकॉल योर ओन नॉलेज, राइट। आप क्या करते हो, अपना नॉलेज जो आपने अपने माइंड में छुपा रखा है अपने एक्सपीरियंस के बदौलत, बुक को पढ़कर, किसी आदमी से कुछ बातें समझकर, जो नॉलेज आपको मिला वो आपके माइंड में कहीं पे डीप रूटेड बैठ जाता है। फिर एक डिसीजन लेने का टाइम आता है और फिर उस टाइम पे उस नॉलेज को आप याद नहीं कर पाते हो, तो नॉलेज को याद कराने के लिए इस मेंटल मॉडल का मदद ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मेंटल मॉडल बनाया हुआ है एंड दैट इज़ टीचिंग फोर्सेस लर्निंग। मतलब अगर आप किसी चीज़ को लर्न करना चाहते हो तो टीच करो, ये एक मेरा मेंटल मॉडल है। अब ये बात जब भी मुझे कुछ नया चीज़ लर्न करने के लिए होगा, हमेशा ही ये बात मेरे दिमाग में बैठी हुई रहेगी, राइट। सो मेंटल मॉडल इस बात को याद कराता है कि अगर कोई भी चीज़ तुम्हें लर्न करना है ना, तो टीच करो। और शायद यही कारण है कि अगर नवल रविकांत के विजडम को मैं लर्न करना चाह रहा हूँ, तो इस पूरी बुक को आपको टीच करके मैं और ज़्यादा लर्न कर रहा हूँ। जो प्रैक्टिकल नॉलेज हैं जो अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता हूँ, वो सब सारी चीज़ें मुझे कभी भूले ना, इसीलिए मैं टीच कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मेंटल मॉडल्स क्रिएट किया जाता है और मेंटल मॉडल्स का पर्पज बस इतना ही है कि जब भी आपको डिसीजंस लेने पड़े, तो डिसीजंस लेते टाइम पे वो सारा नॉलेज, वो सारा एक्सपीरियंस आपके दिमाग के टॉप सरफेस पे आ जाए और उसकी आप मदद ले सको डिसीजन लेने में, राइट। तो दिस वाज द मेंटल मॉडल। नवल ने डिफरेंट डिफरेंट मेंटल मॉडल्स के बारे में नाम दिया हुआ है और कुछ मेंटल मॉडल्स को मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, जैसे एवोल्यूशन के बारे में बताया हुआ है, इन्वर्जन के बारे में, इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर आप चाहते हो हेल्दी बनना, तो आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं या मैं ऐसा कौन सा काम कर रहा हूं जो मेरे को अनहेल्दी बना रहा है। तो वो सब सारी चीज़ें लिस्ट डाउन कर लोगे और जैसे ही आप लिस्ट डाउन करोगे, तो आपको फिट होने के लिए जो डिसीजन लेना है वो आपके सामने आ जाएगा। दिस इज द इन्वर्जन मेंटल मॉडल, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। नवल जूलियस सीजर के कोट को यहाँ पे रख रहे हैं। वो बोलते हैं, इफ़ यू वांट इट डन देन गो एंड इफ नॉट देन सेंड। अगर किसी काम को आप पूरा करना चाहते हो तो आप खुद से जाओ, और अगर नहीं तो किसी को भेज दो। आप अगर ओनर हो, प्रिंसिपल हो, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो वहाँ पे खुद से पहुँचना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि प्रॉब्लम बनी रहे, प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, तो केवल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी है तो किसी को भेज दो, क्योंकि वो जो एजेंट होगा जो आपके बिहाफ पे गया हुआ है, वो उतनी ओनरशिप नहीं ले सकता है जितनी ओनरशिप आप लोगे। दिस इज द प्रिंसिपल एजेंट मॉडल। और इसीलिए नवल यहाँ पे कहते हैं, द स्मॉलर द कंपनी द मोर एवरीवन फील्स लाइक ए प्रिंसिपल। जितनी छोटी कंपनी होती है, हर एक व्यक्ति अपने आप को प्रिंसिपल या ओनर समझता है। द लेस यू फील लाइक एन एजेंट द बेटर द जॉब यू आर गोइंग टू डू। जब आप एजेंट फील नहीं करते हो, मतलब प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम नहीं कर रहे हो, ओनर के बिहाफ पे काम नहीं कर रहे हो, आप पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेकर काम करते हो, तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलती है और आप वहाँ पे बेहतर परफॉर्मेंस देते हो। फिर इसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसके बारे में ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। बेसिक मैथ, ब्लैक स्वैंस नासिम तालेब की बुक है, आप इसको पढ़ सकते हो। कैलकुलस, फिर फालसिफिएबिलिटी, इफ़ यू कान डिसाइड द आंसर इज़ नो, यस। अगर आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो, इसका साफ साफ मतलब है कि आपका उत्तर नहीं है।
Should I marry this person? Should I take this job? Should I buy this house? Should I move to this city? Should I go into the business with this person? अगर ये questions और इनका निर्णय आप नहीं ले पा रहे हो तो इसका मतलब आपका उत्तर नहीं है, इस बात को मान लेना, कोई भी assumption में नहीं रहना, right? फिर run uphill, ये ऐसा mental model है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा जब भी आप decision लोगे। ये कहते हैं If you are evenly split on a difficult decision, take the path more painful in the short term. अगर जीवन में आपको दो रास्ते मिलते हैं जो एक ही जैसे लगते हैं तो आप उस रास्ते पे आगे बढ़ो जो शॉर्ट टर्म में पेनफुल हो। जब भी शॉर्ट टर्म में अगर वो रास्ता पेनफुल रहेगा तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जनरली होता क्या है, हम क्या करते हैं, हम उस रास्ते को चूज कर लेते हैं जो शॉर्ट टर्म में हमारे लिए एंजॉयबल होता है, हमारे लिए एडवांटेजियस लगता है। ये मेंटल मॉडल आपके लिए बेहतरीन डिसीजन मेकर होगा, डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करेगा अगर आप इसका फायदा उठाओगे। रन अपहिल, हमेशा ही उस पाथ को चूज करो जो आपके लिए शॉर्ट टर्म में डिफिकल्ट क्रिएट करे, चैलेंजेस क्रिएट करे, लेकिन लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल हो। नवल से क्वेश्चन किया जा रहा है, व्हाट आर द मोस्ट एफिशिएंट वेज टू बिल्ड न्यू मेंटल मॉडल्स। नए मेंटल मॉडल्स को बनाने के लिए एफिशिएंट वे क्या है? नवल का सिंपल आंसर है, रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को पढ़ो। कहते हैं रीडिंग साइंस, मैथ एंड फिलोसफी वन आवर पर डे विल लाइकली पुट यू एट द अपर एचलॉन ऑफ ह्यूमन सक्सेस विद इन 7 years। अगर आप साइंस, मैथ, फिलॉसफी पढ़ते हो तो आप टॉप 5% लोगों में जरूर से आ जाओगे विद इन 7 years एज पर नवल। अब जब बात हो रही है कि डिसीजन मेकर बनने के लिए मेंटल मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा और मेंटल मॉडल डेवलप करने के लिए आपको बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, तो उसके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है हाउ टू लर्न टू लव टू रीड। नवल का कहना है द जेन्युइन लव फॉर रीडिंग इटसेल्फ व्हेन कल्टिवेटेड इज अ सुपर पावर। अगर एक जेन्युइन लव आपका किताबों के प्रति हो जाए, पढ़ने के प्रति हो जाए, तो आप सुपर पावर क्रिएट कर सकते हो। द मीन्स ऑफ लर्निंग आर अबंडेंट, इट्स द डिजायर टू लर्न दैट इज स्कार्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आज के टाइम पे लर्निंग के जो मीन्स हैं, लर्निंग के जो माध्यम हैं, वो पूरी तरीके से भरे पड़े हुए हैं। कहाँ पे ऐसा नहीं है जहाँ पे आप लर्निंग मटेरियल न पा सको। इंटरनेट तो लर्निंग मटेरियल से भरा पड़ा हुआ है, वीडियोस हैं, बुक्स हैं, पीडीएफ फाइल्स हैं। आज के टाइम पे जब एआई की बात हो रही है तो एआई आपके क्वेश्चन का भी आंसर दे पा रहा है, तो ऐसे टाइम पे लर्निंग के मटेरियल्स की अबंडेंस है। स्कार्सिटी किस चीज़ की है, लर्निंग के डिज़ायर की, कि मुझे लर्निंग करनी है, मुझे कुछ सीखना है, किसी पर्टिकुलर डोमेन में मास्टरी हासिल करनी है, इस डिज़ायर की कमी है, इस डिज़ायर की स्कार्सिटी है। अगर आप इस डिज़ायर को डेवलप करोगे तब जाकर आप किताबों के प्रति प्रेम पैदा कर पाओगे और फिर उसके बाद किताबें आपको बहुत सारे नॉलेज दे देंगी। नवल कहते हैं रीड व्हाट यू लव अंटिल यू लव टू रीड। हमारी आदत होती है, हम किसी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हम ऐसी बुक को उठा लेते हैं जो हमारे एरिया में नहीं है, एक्सपर्टीज़ में नहीं है, हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। शुरू के दौरान 4 या 5 पेज पढ़ते हैं, इंटरेस्ट लूज हो जाता है, बुक को साइड में रख देते हैं। और ऐसा अगर बार बार आप करोगे तो कभी भी बुक रीडिंग की जो हैबिट है वो डेवलप नहीं कर पाओगे। इसीलिए नवल इस बात को एम्फेसाइज कर रहे हैं और एक वार्निंग की तरह है ये कि आप सबसे पहले उस बुक को पढ़ना शुरू करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना शुरू करो जिसमें आपकी नॉलेज है, आपका एक्सपर्टीज़ है, आपकी उसमें मास्टरी है। फिर क्या होगा, धीरे धीरे जब बुक को पढ़ना आप शुरू कर दोगे तो आपके अंदर रीडिंग की एक हैबिट डेवलप हो जाएगी और फिर आप डिफरेंट बुक्स को भी पढ़ना शुरू कर सकते हो। नवल का ये पॉइंट, ये कोट इम्पॉर्टेंट है, इफ़ दे रोट इट टू मेक मनी डोंट रीड इट। कोई किताब अगर ये बताती है हाउ टू मेक मनी, उसको मत पढ़ो। साफ साफ नवल कह रहे हैं, क्योंकि मनी बनाना, पैसा क्रिएट करना, बिजनेस बिल्ड करना, ये किताबों से पढ़कर कभी नहीं आएगा। तो ये नवल का कहना है, कोई भी किताब पैसा बनाने की बात कर रही है, कोई भी कोर्स पैसा बनाने के लिए बेचा जा रहा है, डोंट बाई इट, डोंट रीड इट। What practices do you follow to internalize, organize information from reading books?
किताबों को पढ़ने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उसको आप इंटरनलाइज कैसे करते हो? नवल का कहना है, एक्सप्लेन व्हाट यू लर्न टू समवन एल्स, टीचिंग फोर्सेस लर्निंग। उसी मेंटल मॉडल को जिसको मैंने बताया हुआ था, मैं अगर किसी चीज़ को लर्न करना चाहता हूँ और उसको इंटरनलाइज करना चाहता हूँ अपने अंदर, तो उसके लिए टीच करता हूँ। नवल भी यही कह रहे हैं, टीच करो। जो भी आपने नॉलेज गेन किया किताबों से उसको शेयर करो। और इसलिए तो मैं आपसे भी कहता हूँ कि अगर आप वीडियोस को देख रहे हैं, उससे आपको नॉलेज मिल रही है, तो आप दूसरों को एक्सप्लेन करो, दूसरों को वीडियो शेयर करो और उनको भी बोलो कि इस नॉलेज को शेयर करने के साथ साथ एक्सप्लेन करो। जब भी आप एक्सप्लेन करते हो ना, जब टीच करते हो, तो जो भी नॉलेज मिला हुआ है वो आपके वे से आपके माइंड में इंटरनलाइज हो जाता है और फिर वो चीज़ आपके एक्सपीरियंस पे भी उतरने लगती है। What can I do for the next 60 days to become a clearer, more independent thinker? अगले 60 दिनों में मैं एक क्लियरर, मोर इंडिपेंडेंट थिंकर बन जाऊं, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? नवल का आंसर है, रीड द ग्रेट्स इन मैथ, साइंस एंड फिलॉसफी। ग्रेट बुक्स को पढ़ो जो मैथ, साइंस और फिलॉसफी से रिलेटेड हो। और इसके साथ साथ नवल ये भी कह रहे हैं, पुट ट्रुथ अबव सोशल अप्रूवल। सोशल अप्रूवल के चक्कर में मत पड़ो। आपकी एक आइडेंटिटी होती है सोसाइटी में, आप उसी इमेज को खुश करने के चक्कर में ट्रुथ से दूर भाग जाते हो, रियलिटी से दूर भाग जाते हो। सो सोशल अप्रूवल को साइड में करो, ट्रुथ को इम्पोर्टेंस दो, फिर आप देखेंगे कि आप क्लियर थिंकर बनने की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर नवल बोलते हैं, व्हेन यू आर रीडिंग अ बुक एंड यू आर कन्फ्यूज्ड, दैट कन्फ्यूजन इज सिमिलर टू द पेन यू गेट इन द जिम व्हेन यू आर वर्किंग आउट। जब भी आप किसी किताब को पढ़ते हो और आपको कन्फ्यूजन होता है, तो ये कन्फ्यूजन उसी तरीके से है जैसे जब आप जिम में जाते हो तो आपके मसल्स के अंदर पेन होता है। शुरुआती दौर में ऐसा होगा, नए बुक्स को पढ़ोगे, नए नॉलेज को लोगे, तो कन्फ्यूजन तो आएगा ही आएगा। लेकिन क्या आप उस कन्फ्यूजन से बुक रीडिंग को बंद कर दोगे? नहीं। मसल्स में अगर पेन हो रहे हैं तो जिम में जाना आप बंद कर दोगे? एक्सरसाइज बंद कर दोगे? नहीं। तो कन्फ्यूजन्स को एक एसेट की तरह लो। यू आर बिल्डिंग मेंटल मसल्स इंस्टेड ऑफ फिजिकल मसल्स, लर्न हाउ टू लर्न एंड रीड द बुक्स। आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि किस तरीके से किताबों को पढ़ना चाहिए और फिर उसके बाद धीरे 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 आपको बुक पढ़ने से लगाव हो जाएगा और कई सारे नॉलेज इकट्ठा करने लगोगे। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं, व्हेन इट कम्स टू रीडिंग मेक श्योर योर फाउंडेशन इज वेरी वेरी हाई क्वालिटी। जब भी आप किताबों को पढ़ना शुरू करते हो ना, किसी भी डोमेन की किताब उठा रहे हो ना, तो हमेशा ये ध्यान रखो कि आपका जो फंडामेंटल्स है, जो बेसिक नॉलेज है, वो स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि कोई भी बुक आप समझ नहीं पाओगे अगर आपको बेसिक नहीं पता है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री की बुक पढ़ना चाहते हो तो आपको अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक आना चाहिए, है ना। एडवांस मैथमेटिक्स के बारे में अगर आपको समझना है तो फंडामेंटल्स तो आपको पता होना चाहिए। दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ टू बिकम अ ग्रेट डिसीजन मेकर। अगर आप चाहते हो बेहतरीन डिसीजन मेकर बनना, तो आपको मेंटल मॉडल्स क्रिएट करने पड़ेंगे और मेंटल मॉडल्स क्रिएट करने के लिए आपको डिफरेंट बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। इस वीडियो में मैंने आपको अलग अलग पर्सनालिटीज़ के बारे में भी बताया, फरनाम स्ट्रीट के ब्लॉग के बारे में भी बताया, आपको बुक कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे बुक को पढ़ने के लिए इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए, इसके बारे में भी बताया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसके नॉलेज को आप अप्लाई करेंगे और एक बेहतरीन डिसीजन मेकर बनने की कोशिश करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि इसके नॉलेज को अप्लाई करके मैं डिसीजन मेकर बन सकता हूँ, तो इस वीडियो को केवल अपने पास तक ही मत रखो, दूसरों के साथ भी शेयर करो। आई एम श्योर कि ये सब सारे वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल हो रहे हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच।